सबसे पहले मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लूंगी। इसके अंदर हम कबाब फ्राई करेंगे। शामी कबाब को आप अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। शामी कबाब की रेसिपी ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो ये दो शामी कबाब हम फ्राई कर लेंगे। ये तो ये एक साइड से हमारे कबाब हो गए हैं, अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी कलर दे देंगे। ये ऑलरेडी आपको पता है कुक्ड होते हैं, इनको सिर्फ हमने कलर ही देना होता है। ये तो कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको मैं साइड पे कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने एक अंडे के अंदर थोड़ी सी नमक और थोड़ा सी लाल मिर्च तकरीबन एक एक चुटकी डालकर उसको हल्का सा फेंट लिया और इसको मैं यहाँ ऑयल में डाल दूँ। मेरा फ्राई पैन बड़ा है तो मैं एक ही फ्राइंग पैन के अंदर बना रही हूँ। अगर आपके पास छोटा फ्राइंग पैन है तो आप कबाब निकाल लें और फिर अंडा बना लें। तो आप एक साइड से पहले अंडे को पकाएंगे। अंडे को मैं फोल्ड कर दूंगी ताकि ये ब्रेड में आसानी से रखा जाए। तो अंडे को अच्छी तरह से हमने पका लेना है जी। तो अंडा और कबाब दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको अब मैं निकाल लूंगी। अब यहाँ फ्राइंग पैन में मैं दो स्लाइस रख दूंगी ब्रेड के। आप चाहें तो किनारे उतार दें, लेकिन मैं किनारे नहीं उतारती क्योंकि वो वेस्ट हो जाते हैं। ये आपकी चॉइस है। आप एक तरफ से पहले ब्रेड को पका लें 1 से 2 मिनट के लिए और फिर आप इसकी साइड चेंज कर लें जी। तो मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब इसके ऊपर मैं हल्की सी केचप एक साइड पे लगाऊंगी। एक स्लाइस के ऊपर मैंने केचप लगा दूंगी हल्की सी। आपको अगर ज्यादा केचप पसंद है तो आप ज्यादा भी लगा सकते हैं। केचप लगाने के बाद मैं इसके ऊपर शामी कबाब रख दूंगी और इनको आपने हल्का सा पीस लेना है इस तरह से। इसको मैंने पीस लिया। इसके ऊपर मैं दोबारा थोड़ी सी केचप लगाऊंगी। जी तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी केचप और लगा दी। अब इसके ऊपर मैं अंडा रख दूंगी और अंडे के ऊपर मैं मायो गार्लिक सॉस लगा रही हूं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल मेयोनीज भी लगा सकते हैं। 1 चम्मच आप ये डाल लें इसके ऊपर और इसको स्प्रेड कर लें अच्छी तरह से। इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा अनियन डाल दें। और अनियन डालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से सलाद के पत्ते डाल दूंगी और इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस दे देंगे। दूसरा स्लाइस देकर मैंने इसको उल्टा लिया। ये देखिए नीचे से कितना अच्छा ब्राउन हो गया। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन कर लेंगे। तो यहां पर आप फ्लेम बंद कर दें और ये आपका बहुत ही जबरदस्त शामी अंडा सैंडविच जो है वो रेडी हो चुका है। मैं अब आपको इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही यमी सा और बहुत ही मजेदार सैंडविच। ये देखें, ये देखें कितना यमी लग रहा है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ जी। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारा अंडा शामी सैंडविच तैयार है। आप चाहें तो इसे बच्चों को स्कूल के लंच में दे दें और चाहें तो उन्हें घर पे बना के साथ फ्राइज बना दें, वो बहुत खुश होकर इसे खाएंगे।
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपनी फीडबैक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।